दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम एशिया कप का खिताब अपने नाम करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सेमीफाइनल के महामुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की धमाकेदार जीत ने न केवल फाइनल में जगह बनाई बल्कि सभी टीमों को बाहर का रास्ता दिखाया है, जहां श्रीलंका इस जीत के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान को झटका देते हुए अपने सपनों पर पानी फेर दिया। तो आखिर कैसे श्रीलंका ने पॉइंट्स टेबल में मचाया उथल पुथल, लेकिन फिर भी भारतीय टीम को पॉइंट्स टेबल में नहीं पड़ा कोई फर्क। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान को रुलाया खून के आंसू। अंक तालिका का पूरा हाल, फाइनल का पूरा समीकरण हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल मैच खेला गया, जहां पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम के सामने 252 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में उतरे श्रीलंका के बल्लेबाज भी शुरुआत में घुटने टेक गए, केवल 74 रन पर ही अपने 2 विकेट गंवा दिए, मगर टीम के लिए रन योद्धा बनकर कुशल मेंडिस मैदान पर टिके रहे और उनके साथ सदीरा समीर विक्रम भरपूर निभा रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैच का पूरा रुख बदल दिया और देखते ही देखते दोनों ने अपनी टीम को खतरनाक बल्लेबाजी से जीत दिला दी और इसी के साथ फाइनल में भारत से लड़ने के लिए अपनी जगह पक्की कर ली और पाकिस्तान टीम को हरा कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस धमाकेदार जीत से श्रीलंका टीम ने न केवल फाइनल में जगह बनाई बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी उथल पुथल मचा कर रख दी। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया और दोनों टीमों को फाइनल से बाहर करके रास्ता दिखा दिया। वहीं भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर सभी मुकाबले जीतकर, साथ ही श्रीलंका भी पाकिस्तान को यह मुकाबला हारकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर आकर भारत के सामने टक्कर दे रही है। बांग्लादेश वहीं और पाकिस्तान का रास्ता पूरी तरह से फाइनल के लिए बंद हो चुका है, मानो ये दोनों टीमें अब अपने अपने घर लौटने वाली हैं। अगर वहीं हम पॉइंट्स टेबल का हाल आपको बताएं तो भारतीय टीम ने 2 मैचों में 2 जीत के साथ 4 पॉइंट्स लेकर पहले पायदान पर मौजूद है, वहीं श्रीलंका 3 मुकाबले में 2 जीत के साथ 4 पॉइंट लेकर दूसरे पायदान पर। वहीं इनका रन रेट भारत के मुकाबले बेहद खराब है। तीसरे पायदान पर पाकिस्तान है, जो अपने टीम मुकाबले में केवल एक ही मुकाबला जीत पाई है। वहीं चौथे नंबर पर बांग्लादेश है, जो अपने दोनों मुकाबले गंवा कर पहले ही फाइनल के रास्ते से हट चुकी है। तो दोस्तों, श्रीलंका ने भारतीय टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम एशिया कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।